हेलो गाइस, मैं आपको हूँ जसिंदर सिंह। गाइस, आज का हमारा ये वीडियो ल्यूक सैंडू के बारे में है। जी हाँ, मुझे गाइस बहुत दुख हो रहा है ये बता दूँ कि ल्यूक सैंडू की डेथ हो चुकी है। IFBB के प्रो बॉडी बिल्डर ल्यूक सैंडू 30 साल की छोटी सी उम्र में उनकी डेथ हो चुकी है गाइस। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सबको ये न्यूज़ सुन के शॉक लग रहा है, सेम उसी तरीके से पूरी पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा शॉक में है। ये 30 साल की होती कितनी गाइस? अभी जस्ट उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, अपनी फैमिली स्टार्ट करी थी। फैमिली में गाइस उसको वो एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड थे और उतने ही अच्छे एक फादर थे वो। और इस 30 साल की एज में उनका जो बॉडी बिल्डिंग का जो करियर था वो सिर्फ 4 साल का था। और इसमें जो 4 साल में उन्होंने 2019 में आर्नल्ड क्लासिक में 3rd प्लेस हासिल करी थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की नज़रों में आए और बहुत फेमस हुए वो। और साथ ही साथ गाइस उनका जो जो लास्ट जो कॉन्टेस्ट था उन्होंने जिसमें कम्पीट किया था, वो उनका डेब्यूट था ओलंपिया में, जिसमें उन्होंने रिस्पेक्टेबल 11th प्लेस हासिल करी थी, जो कि बहुत कोई छोटी मोटी बात नहीं है सिर्फ 4 साल के करियर में गाइस। जिसकी वजह से ये बहुत ही बड़ा लॉस है पूरी की पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा उभरता हुआ हमारा जो बॉडी बिल्डर था वो अब नहीं रहा हमारे बीच, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। कॉज ऑफ डेथ गाइस अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि ये थर्सडे मॉर्निंग की बात है और आज थर्सडे नाइट है। और जितना हो सके मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी है, और जो मुझे पता चला है वो ये है गाइस कि ये एक सुसाइड है, ना कि कोई ऑर्गन फेलियर या कुछ हार्ट अटैक या कुछ ऐसा ड्रग अब्यूज़ टाइप का, जो कि अक्सर लोग अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर है, प्रो बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, तो इसका मतलब इनको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ। जस्ट इस रूमर को ख़त्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है गाइस, कि ये एक अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है गाइस कि कॉज ऑफ डेथ क्या। इस वजह से इसका जैसे ही कोई और आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक और इसका और वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि ये जो डाउट्स हैं जो रूमर्स हैं ये ख़त्म कर सकूँ और एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर को प्रॉपर ट्रिब्यूट दे सकें। तो गाइस अब यहीं पर मैं ये फिनिश करना चाहूँगा हमारा आज का वीडियो। You popped yourself in there to make sure you qualified. That's how important it was for you. You weren't going to rest on your points. You wanted to get out there. More importantly, you wanted to make a statement, and you did that. After the prejudging, there's a lot of people that actually had you ahead of Dexter at the Tampa. I did hear that. Did you hear that, Dexter? Oh, my God, too. Dexter moves. He knows. I'm trying to keep it quiet, but I'm walking the straight lines. Dex, were you worried about Luke when you saw the condition this guy showed up in the Tampa? Dude, I'm worried about everybody. that's why I'm always at my best. I see guys backstage and I'm like, dang, everybody looks crazy to me. And I'm like, that's one thing, I'm really bad at judging guys. So everybody look crazy to me, so that's what keeps me going and makes me want to come in the best I can be. Absolutely. You know, it was a real honor to have that come out with you. I mean, it's so surreal. In fact, one of the funniest little stories I have of the Olympia is when Phil Heath won his first Olympia in 2011, which I should know because it's the crux of the story. I was actually watching a play-by-play on Twitter as my son was being born. So no one stops me watching the Olympia, and now I'm here. Luke. Yes. Can you win? Yes. Maybe not this year. Luke, say it one more time.